नमस्कार दोस्तों, बीपीएन न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एनवर्सिटी हरियाणा। साथियों, जैसे सर्वे के दौरान हम एक एक गांव में जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, किस गांव में कितना विकास हुआ है, और सरपंचों को या पार्षदों को सरकार से प्रशासन से कितना सहयोग मिला है, उसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं गाँव बुढ़ाणा विधानसभा पटौदी जिला गुरुग्राम में। और बुढ़ाणा बिल्कुल मेन रोड पर, एक बार हमने पहले बताया था कि हुसैन का और बुढ़ाणा बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट साइड को गांव बसी हुई है। यहाँ के सरपंच जो है वो भाई मुकेश कुमार यादव जी हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितना विकास गांव के अंदर हुआ और क्या ऐसा नया कराया जो पिछले 50 साल से नहीं हुआ था। और मुकेश जी, कोई अपना यहाँ पे हेल्थ सेंटर वगैरह? सब हेल्थ सेंटर है। सब हेल्थ सेंटर है। पीएचसी तो भाई, कोई ऐसा कार्य रहा हो जो आप करना चाहते थे लेकिन वो किसी भी कारणवश, चाहे वो लॉकडाउन की बदौलत लगा लीजिए, सब सेंटर को हम अपग्रेड करना चाहते, बड़ा बनवाना चाहते थे जी, सीएचसी कवर करना चाहते थे जी। और ग्राम पंचायत भवन भी नहीं है कोई जी, जा रहे थे कोई कम्युनिटी सेंटर। तो एक मेरा आपसे क्वेश्चन और है, अभी देश के अंदर में एक अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, 150-200 किसान भी शहीद हो चुके हैं, तो ये इसकी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, भारत सरकार की कोई अर्थदर्मिता इसमें, या किसान इसको समझना नहीं चाह रहे इस बात? देखो जी, किसान नहीं समझना चाह रहे, सरकार ने तो कह दिया हमारे सामने बैठो, जो अमेंडमेंट, अब एक बताओ जो सांसद चुन के गया है जी, कितनी वोटों पे, 300 समथिंग सांसदों ने जिस पे प्रस्ताव पे पास किया है जी, जी। क्या उनके दिल पे ठेस नहीं पहुंचेगी, उसको कैसे रद्द कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है भाई, उन्होंने भी तो किया है वो, अमेंडमेंट हो सकता है अगर कोई उसके अंदर थोड़ा मोड़ा कुछ करना पड़े तो वो सरकार मानने की तैयार है। तो लेकिन ये तो विपक्ष की राजनीति के कारण ना सारा, ये तो बाहर से फंडिंग होके ना, मेरा मानना तो ये, मेरी अपनी बाहर से फंडिंग होके, और ये लोग मतलब इसको राजनीतिकरण दे रहे हैं, और जिसमें कांग्रेस वाले तो असल ओपन ही आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है ये देश देश को मतलब ये तो ये सेटबैक लगाने वाली बात है, ये बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा दुनिया इतनी परेशान है, जाम लगे रहते हैं। तो देखिए, मुकेश जी ने बताया कि एक तो कोरोना काल में लगभग पूरा साल निकल गया, और यदि पटरी पे गाड़ी अभी आने लगी है तो रास है, अब ये किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, आपके इधर से पटौदी बेल्ट से तो हमें कोई किसान नहीं, कोई किसान जाएगा नहीं, जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, यहाँ क्या नाम है, वो लोग तो किसान ही है जी, किसानों के पास कान टाइम है जो वो चले जाए वहां वो। दूसरा, मैं मुकेश भाई आपसे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, सभी कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, नेट पे टीवी देखने के शायद आपके पास भी समय नहीं होता होगा। कुछ दिन पहले एक अर्णव गोस्वामी साहब ने एक न्यूज चलाई थी, न्यूज इस पे थी, वो रिपब्लिक भारत टीवी पे थी, और उसमें उन्होंने कहा कि मेवात जो जिला है हरियाणा का, वो मिनी पाकिस्तान है, मतलब एक हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को खराब करने का था, वो गलत था। तो इस प्रकार की न्यूज नहीं चलानी चाहिए, जबकि शहीदों की यदि हम बात करें तो मुसलमान भी शहीदों में पीछे नहीं गए, सबसे ज्यादा बहुत आए हमारे शहीदों में उनके हुई। तो अभी एक महीने के उपरांत लगभग आपके दोबारा से चुनाव आ रहे हैं ग्राम पंचायत के, तो मुकेश भाई क्या मन बना रखा? नहीं, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। रीजन रीजन यही है, हमने गांव में इतना विकास कराया और फिर लोग सीएम विंडो ये वो करके मतलब विकास काम करते हैं और ज्यादा तो उसको रोकते हैं। अभी भी हमारे जो शीतला माता मंदिर वो छटने लग रहा है, उसकी भी जाके मनरेगा के तहत जो कितने लोगों को रोजगार मिला उसमें जोड़ में से मतलब कर रहे मजदूरों को काम मिल रहा है, लेकिन उसको भी जाके काम रुकवा दिया। एक सीएम अनाउंसमेंट में एक रोड जो बनी के अंदर 2 किलोमीटर तक जाता है हमारी पंचायत के फार्म तक, वो भी पास किया सरकार ने, वो सीएम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो क्या नाम है, उसको भी कोशिश कर रहे हैं भाई ये सरपंच की योजना में ना हो, ताकि ये देखिए कुछ एक अवरोध एनक्रोचमेंट का मेन मामला दरअसल उनके खिलाफ केस डाल रखा हमने, एसडीएम के हार भी गए जी, डीसी साहब से हार बैक केस आ गया जी, अब उसकी सुनवाई में काफी टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से जो एनक्रोचमेंट वाले हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, 5 बार प्रशासन आके चला गया यहां जी, जी 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 जी, मतलब तोड़ नहीं पा रहा उनको। तो देखिए, एक योग्य व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति
पूरे गांव को एक लेके चल रहा है, एक आंख से देख रहा है, सारा समस्त विकास कराने की जो सोच रहा है, उसको कुछ एक ऐसे तत्व भी होते हैं अपने ही समाज में जो उनको काम करने देना नहीं चाहते, और प्रशासन को शासन को तो यदि कोई रिकमेंडेशन देता है, कोई एप्लीकेशन देता है, दरख्वास्त देता है, तो उस पर तो उनको जो कार्रवाई न्यायालय के मुताबिक संवैधानिक तौर पर वो तो उनको करनी पड़ती है, लेकिन उसमें समय लगेगा। दूसरा भाई मेरा एक आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन है, मैं तो एक मानवता के नाते कहूँगा क्योंकि आपका विकास हो रहा है, और यदि गांव बस्ती है, माता है बस्ती, माता है गांव राम है, यदि आपको मौका दे तो आप इस सेकंड मौके को जाया ना जाने दें, क्योंकि इसी धरती पे ऐसे भी लोग हैं जो भगवान तक को भी गाली देते हैं, प्रकृति को भी गाली देते हैं, ऐसे भी लोग। तो आप हमारे साथ वीपीएन चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, हर दिन शुभ रहे, पूरा वर्ष आपका शुभ रहे, और आपके मंगल कामना पूर्ण हो। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार बहुत हरिओम।